बहुत सिंपल सी बात है पिया, आज स्टॉक मार्केट में शाह इंडस्ट्रीज के शेयर्स की ज्यादा वैल्यू नहीं है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछले एक साल से कंपनी की हालत अच्छी नहीं है और इसी वजह से कंपनी बैंक के कर्ज में डूब गई है। मेरा ऑफर ये है कि मैं शाह इंडस्ट्रीज के 40% शेयर्स खरीद लूं। इसे दो फायदे होंगे, एक तो ये कि मेरी और मेरी कंपनी की रेपुटेशन की वजह से मार्केट में शाह इंडस्ट्रीज के शेयर्स की वैल्यू अचानक इंप्रूव हो जाएगी, दूसरा ये कि 40% शेयर्स के बदले आपको जो पैसे मिले उसे आप अपना कर्जा चुका सकती हैं। पर आप ऐसा क्यों करेंगे जबकि आज शाह इंडस्ट्रीज के शेयर्स कोई खरीदना ही नहीं चाहता? इन्वेस्टमेंट, ये भी मेरा एक बिजनेस है। मुझे आप पर, शेखर पर और शाह इंडस्ट्रीज पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं कि आज अगर शाह इंडस्ट्रीज के पास किसी चीज की कमी है तो वो है पैसा, और एक बार वो पैसा आ गया तो शेयर्स के वैल्यू इतने ज्यादा हो जाएंगे कि मैं फायदे में ही रहूंगा, और तब आप चाहे तो अपने शेयर्स वापस खरीद सकती हैं। आई नो इट्स नॉट एन ईजी डिसीजन, थिंक अबाउट इट। मैंने इस प्रपोजल के बारे में बहुत सोचा है और ये मुझे एक बहुत अच्छा ऑफर लगा, पर मैं आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। पिया, शाह इंडस्ट्रीज गिरधारी ने शुरू की थी, फिर अमर ने इसे बहुत अच्छे से चलाया, आज तुम और शेखर इसे चला रहे हो। हम अपनी राय देने से पहले शेखर की भी राय जानना चाहते हैं। मैं श्री अभिज्ञान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि वो शाह इंडस्ट्रीज पर इतना भरोसा करते हैं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप मेरी राय जानना चाहते हैं। मुझे इस प्रपोजल के बारे में कल रात पता चल गया था, हालांकि हक कोई नहीं है मेरा, फिर भी देर रात तक सोचता रहा। सोचा कि शाह इंडस्ट्रीज आखिर है क्या। आज से तकरीबन 35 साल पहले श्री गिरधारी लाल शाह बंबई से कनाडा आए, आप लोग दोस्त बने और फिर जैसे एक परिवार, फिर इस परिवार ने मिलके कुछ करने की ठानी, तो जन्म हुआ शाह इंडस्ट्रीज का। जहां तक मेरी जानकारी है, आप सबका, इस परिवार का यह फैसला था कि अच्छी या बुरी, छोटी या बड़ी, शाह इंडस्ट्रीज इसी परिवार के बीच में रहेगी, कोई और इसका भागीदार नहीं बनेगा। यह सच है कि आज शाह इंडस्ट्रीज को पैसों की सख्त जरूरत है, और अगर मैं अपने दिमाग की बात सुनूं तो शायद मिस्टर अभिज्ञान की बात खत्म होने से पहले ही मान लूं, पर मुझे यह हक नहीं है क्योंकि शाह इंडस्ट्रीज मैंने नहीं बनाई, शाह इंडस्ट्रीज आप सबने बनाई है। और अगर मैं आपके दिल की बात सही सुन रहा हूं तो आपको अब भी शाह इंडस्ट्रीज पर पूरा भरोसा है, आप अब भी ये मानते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट आप ये चाहते हैं कि शाह इंडस्ट्रीज इस मुश्किल के दौर से अपने पैरों पर खड़े होकर गुजरे। मैं आप लोगों को ये याद दिला देना चाहती हूं कि मैंने आप लोगों की सिर्फ राय मांगी थी, और मैं बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर शाह इंडस्ट्रीज आप सभी शेयर होल्डर्स को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अब मैंने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। अरे, ऐसा कैसे? और कल मैं ये पेपर साइन करूंगी।